सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के इस लंबे अंतराल की वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो अवधपुरी में प्रभु के इस भव्य और दिव्य नव्य मंदिर के निर्माण कार्य को उसका साक्षी बनी है। महोदय 16 दिन में 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है, 36 लाख से अधिक। व्यवस्था ऐसी कि कोई पूरब से कोई पश्चिम से, कल अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, वहां का पूरा कैबिनेट, वहां की पूरी विधानसभा अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए आई थी। आज फिजी के, आज सूर्य, कल नेपाल के लोग गए, नेपाल के माननीय सांसद गण गए थे। आज फिजी और कल सूरीनाम के राष्ट्र प्रमुख वहां जा रहे हैं, अन्य तमाम बड़े बड़े डेलीगेशन अयोध्या धाम में आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज जो कोई अयोध्यापुरी में आ रहा है, बरबस उनके मुंह से तुलसीदास जी की पंक्तियां निकल पड़ी हैं कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अब हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए मजबूर है, नहीं तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने क्या कर दिया था अयोध्या में, उन्होंने अयोध्या को किस रूप में बना दिया था। अयोध्या गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी, परिक्रमा में बैन प्रतिबंधित, परिक्रमाएं प्रतिबंधित होती थी, कर्फ्यू लगता था। अयोध्या आने के लिए देश के अंदर राम नामी गमछा अगर किसी ने ओढ़ा हुआ है उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। यही देश ने देखा 1990 से लेकर के, लगातार एक लंबी लड़ाई जिस स्तर पर लड़ी गई और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि आज अयोध्या में हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, अब ये भव्य और दिव्य नव्य अयोध्या जिस रूप में आई है ये हर भारतवासी को तो अपनी ओर आकर्षित करेगी, हर सनातन धर्मावलंबी को आकर्षित करेगी ही। देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर होगा अयोध्यापुरी को उस रूप में विकसित करने की एक नई तैयारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और उस ओर महामहिम राज्यपाल जी ने ध्यान आकर्षित भी किया है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा, अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था, लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहां पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजे पूरा देश आह्लादित है, वो तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्तपि परम सने। तब कर्फ्यू का सन्नाटा था, आज अयोध्या
मंगल भवन मंगल हारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तब की सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्षा रखता है और उस नई अपेक्षा के साथ आज अयोध्या आप सबको भी अयोध्या के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को, पूरे सदन को, मान्य सदन को, पर वो तो सबके हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, सबके हैं और हम सबको वहां जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि तो भारत आ रहा है वहां पे, पूरा देश आ रहा है, पूरी दुनिया आना चाहती है अयोध्या। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत ही यहां से की, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। और ये वोट बैंक की चिंता बड़ी खतरनाक व्यथा है ये, और उस व्यथा को जो महर्षि वेदव्यास ने व्यक्त की थी उसी व्यथा की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था। यानी वोट बैंक के लिए हम किस स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जन लोक आस्था के मुद्दे पर, जन विश्वास के मुद्दे पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का भी हम समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो पार्टी लाइन से ऊपर के शब्द थे, उसके प्रति पूरे सदन को संवेद स्तर से उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाया। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने माघ मेले की भी चर्चा की और अभिभाषण में बात कही कि माघ मेला को हम 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व के रिहर्सल के रूप में देख करके उसके अनुसार रणनीति भी बना रहे हैं और सरकार सचमुच उसके अनुरूप कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ी है। हमारे सामने उदाहरण है, ये हमारा सौभाग्य है, 2019 के प्रयागराज कुंभ को आयोजित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था और 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में जो कुंभ आयोजित हुआ, पहली बार 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुंभ में आकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का क्या मॉडल हो सकता है, ये प्रयागराज कुंभ में देखने को मिला था। प्रयागराज कुंभ दुनिया के 100 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स वहां आए थे, हाई कमिश्नर्स वहां आए थे। इतने बड़े जमावड़े को देख करके, इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को देख करके अद्भुत अभिभूत थे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां व्यवस्था बनाई गई थी सबने उसकी सराहना की। और मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया था। पहली बार आजादी के बाद प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, सरस्वती कूप के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। ये प्रयागराज के अंदर दृश्य भी हर व्यक्ति देख करके अद्भुत था और हमारी सरकार ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 2025 के कुंभ को भव्य और दिव्य रूप में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के उसी मॉडल के रूप में आगे लेकर के जाएंगे जो 2019 में दिया गया था, उसी मॉडल को, क्योंकि हमारा मानना है अब अयोध्या में 19 के पहले जब प्रयागराज कुंभ, 19 में जब प्रयागराज कुंभ था तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम इस रूप में नहीं था, मां बिंदुवासिनी का धाम इस रूप में नहीं था, चित्रकूट इस रूप में नहीं था, अयोध्या धाम इस रूप में नहीं था, नेमिसारण्य इस रूप में नहीं था। और ये डबल इंजन सरकार का सौभाग्य है कि आज एक नई काशी के दर्शन हम काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से करते हैं।
अब काशी, कितने लोग काशी में आ गए, बड़ी संख्या में। मैं वो भी आंकड़े आपको दूंगा कि कितना लाभ यूपी को हो रहा है। इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ में 19 के कुंभ की तुलना में उसके 1.5 से 2 गुना श्रद्धालु प्रयागराज में आएगा। उसके अनुसार उस प्रकार की अवस्थापना सुविधा, उस प्रकार का उसका विस्तार और ये सभी सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और उसके लिए अभी से हमारी तैयारी चल रही है। 9 ROB बनाने गए हैं, नया सिविल टर्मिनल का कार्य भी वहां पर किया गया, 250 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ, 1,14,500 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। और इस वर्ष भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माघ मेला जो चल रहा है, पहला स्नान संक्रांति के दिन हुआ और अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं इस माघ मेला के दौरान भी। महोदय, आज भारत जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए दौर से में प्रवेश किया है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव भी, ब्रज का रंगोत्सव भी, काशी की देव दीपावली भी पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना रही है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवपाटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंदधाम तीर्थ विकास परिषद, सुख तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिस धाम तीर्थ विकास परिषद, ये सभी गठित करके इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के सुनियोजित विकास को, उनके भौतिक, उनके आध्यात्मिक, उनके धार्मिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 वर्ष के बाद फिर से काशी विश्वनाथ धाम में पुनर्प्रथा वहां पर पुनर्स्थापित हो चुकी है। सोरो सोकर क्षेत्र के विकास आदि के कार्य भी सरकार ने प्रारंभ किए हैं। कहीं रामायण पथ का काम, कहीं बौद्ध परिपथ का कार्य, आध्यात्मिक परिपथ का कार्य, शक्ति परिपथ का कार्य और ब्रज परिपथ का, बुंदेलखंड परिपथ और महाभारत परिपथ के कार्य को भी उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है। इन सब पर सरकार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। और इसका परिणाम क्या है कि पिछले वर्ष 6 करोड़ यानी लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है गत वर्ष अकेले काशी में। मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया। नैमिषारण्य में 10 लाख श्रद्धालु आए। और सरकार के जो अन्य फोकस सेक्टर रहे हैं, बुंदेलखंड में 2.55 करोड़ श्रद्धालुओं ने, बुद्धिस्ट सर्किट में लगभग 30 लाख टूरिस्ट ने और सुख तीर्थ में भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु अलग अलग समय में आकर के उन्होंने वहां की बदलती हुई नए प्रवेश में अपने आप को सुरक्षित भी और नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नया अनुभव किया है। हम बुंदेलखंड के जो किले हैं, उत्तर प्रदेश के जितने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं, इन सब के भी व्यवस्थित विकास को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। और बहुत शीघ्र इनको भी हम लोग टूरिस्ट के, हेरिटेज टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है, सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म में देश के अंदर कहीं नहीं था, आज वह नंबर एक पर है। उत्तर प्रदेश नंबर एक पर देश के अंदर। केवल टूरिज्म का विकास नहीं है, लाखों लोगों के लिए, लाखों नौजवानों के लिए एक नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने वाला क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। इसमें अलग अलग लोगों को तमाम प्रकार की नौकरियां और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसके माध्यम से बढ़ोतरी हो रही है और उत्तर प्रदेश ने जिस इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने जो सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है अभिभाषण में उसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने किया है। महोदय, वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, स्वाभाविक रूप से स्पीड भी डबल होगी और परिणाम भी उसके डबल से अधिक देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि आज जब हम अमृत काल में उसके परिणामों को देख रहे हैं तो वो सब हमको अभिभूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देशवासियों से पंच प्रण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात की। इन पंच प्रण को किस रूप में हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, आज चाहे वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो सुधार टेक्नोलॉजी का उपयोग, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और जो सरकार के स्तर पर डायलॉग प्रारंभ किया गया है, इसमें हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की हरेक जनपद को होने वाले हर कार्य की, हर गतिविधि की एक सतत निगरानी करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया है। और उसी का परिणाम है कि संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 4,77,90,000 से अधिक मामले इसमें दर्ज होते हैं और इसमें मेरिट के आधार पर 4,74,00,000 यानी 75,00,000 से अधिक मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण का कार्य भी संपन्न हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इसके लिए प्रदेश को, शासन को पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना पड़ा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की आदतें खराब थी तो उन लोगों को कानून के रास्ते पर लाने में थोड़ा कठिनाई तो ही होगी, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कभी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने पुलिस में भी रिफॉर्म किए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उनकी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया। 7 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में इस व्यवस्था को लागू किया। 75 जनपदों में साइबर सेल के थाने स्थापित करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 क्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 75 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की है, जिसमें 17 भी प्रारंभ हो चुका है, उनका फर्स्ट सेशन इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है। 1,55,600 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है, जिनमें से 22,670 केवल महिला कार्मिक है। 68,600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों की क्षमता को भी लगभग 3 गुना किया है। प्रदेश में 24 नए थाने, 88 नई चौकियां, 7 नए पुलिस महिला पुलिस थाने,
चार नए आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नए साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए हैं। एसडीआरएफ का गठन किया, उसकी 3 कंपनियों को क्रियाशील किया, 3 अतिरिक्त कंपनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पीएससी बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंती बाई महिला पीएससी बटालियन बदायूं और वीरांगना उदा देवी महिला पीएससी बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पहली बार महिला पुलिस कार्मिकों को भी फील्ड की ड्यूटी देने के कार्य प्रारंभ किए गए और महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक महिला बीट में उनकी तैनाती की गई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ ही अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई है। एसएसएफ उत्तर प्रदेश एसएसएफ जिसकी ट्रेनिंग आधुनिक पद्धति से कराई गई है और उसके कमांडो ही वहां सुरक्षा में तैनात हैं। देवबंद, सहारनपुर में, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन भी किया गया है। और प्रदेश में आज जब हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था और मॉड सुरक्षा के माहौल को देखते हैं तो देश के अंदर स्वाभाविक रूप से इसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है। महोदय, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये तब हैं जब किसी भी व्यवस्था को यहाँ पर कहीं भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अगर आप देखेंगे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष एक बात को यहाँ पे कह रहे थे और खास तौर पर उन्होंने एक चीज की यहाँ पे चर्चा की कि प्रदेश के अंदर रिस्पांस टाइम, यानी ये कह रहे थे कि हमने डायल 100 बनाया, आपने उसका नाम बदल दिया, पूरे देश के अंदर डायल 100 को डायल 112 के रूप में बदला गया है और एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे देश की इस व्यवस्था को संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इसमें 2017 के पहले जो रिस्पांस टाइम था डायल 100 का वो 25 मिनट 42 सेकंड का था, आज यह 9 मिनट 50 सेकंड का है। महिला पीआरबी में 446 वाहन का आज कार्यरत है, स्पेशली कार्यरत है। आज 25 लाख कॉल लैंडिंग की सुविधा को बढ़ाकर के 60 लाख कॉल की यहां पर की गई है। पूर्व में 60,000 कॉल ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाकर के लगभग 1,25,000 की जा रही है और 32,000 जो हमारे पास फोर व्हीलर थे पीआरबी के उन्हें 4,278 किया जा रहा है और दोपहिया वाहन 1,600 से बढ़ाकर के 2,000। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और अन्य कार्रवाई को भी प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया गया है। महोदय, महिला संबंधी अपराध के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर टिप्पणी की गई थी, महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है। ये तो महामहिम राज्यपाल के भाषण के दौरान के दृश्य को ही हम देख रहे थे। एक महिला राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और वह भी इतनी वरिष्ठ वही भाषण कर रही है, लेकिन इनके लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे, यानी लगभग 1 घंटे से अधिक के भाषण में
समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार था वह महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। यानी कितना किस प्रकार का व्यवहार, पहले तो कम से कम संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का ही आप सम्मान करते कि संवैधानिक प्रमुख आ रहे हैं, आप सहमत नहीं होंगे, चुपचाप खड़े रहिए, सुनिए मत, कान में कुछ लगा दीजिए अगर आपको बहुत आपत्ति है तो। लेकिन वहां पे किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, मैं तो भौचक था, लेकिन महिला संबंधी मुद्दे पे जब आप बोल रहे थे तब भी मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश के अंदर केवल 14% से कम महिला वर्क फोर्स थी, आज इसकी संख्या 33% से अधिक बढ़ी है प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के नाम पर एक विशेष अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जो कह रही थी कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 17,82,000 बालिकाएं इससे वर्तमान में आच्छादित हैं, और उन बालिकाओं को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग यहां पे बालिका को कोई बोझ न माने बल्कि कन्या लक्ष्मी के रूप में हर घर में पूजी जा सके, सम्मान प्राप्त कर सके, इसलिए बेटी के जन्म लेते ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस व्यवस्था के साथ, और अब 15,000 से इस राशि को बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसमें 31,50,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, 1,000 रुपये महीना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मातृवंदना योजना, 5,55,00,000 माताएं इससे लाभान्वित हुई हैं। प्रदेश में वीसी सखी के रूप में 57,000 ग्राम पंचायतों में इसका गठन किया गया है, और एक बहुत अच्छा मॉडल यूपी ने दिया है कि गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा वीसी सखी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, कोरोना कालखंड में यूपी का यह मॉडल भी आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में माना जा रहा है। पुलिस में भर्ती तो आपने देखा ही कि हमने 20% महिलाओं के लिए वहां पे व्यवस्था बनाई है, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से लगभग 1 करोड़ महिलाएं वर्तमान में जुड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3,00,000 से अधिक बेटियों की शादी अब तक संपन्न हो चुकी है, जिसमें 51,000 रुपये हर बेटी को उपलब्ध कराया जा रहा है, शादी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई है, ये थल में भी हुआ है, नभ में भी हुआ है और जल में भी हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये क्रैशिल हो चुकी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होने जा रही है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रयागराज कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम चालू कर सकें। आज महोदय नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे में लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है ये भारत सरकार के सहयोग से बन रही है, इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बन रही है,
प्रदेश के अंदर जो विभिन्न जनपदों में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, लगभग फोर लेन की 1235 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको पिछले 7 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाया गया है और जो ये बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर यहां पर प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट मामूली यानी चलते थे, लखनऊ और वाराणसी के, ये फुल्ली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश में आज जो हमारे 10 एयरपोर्ट हैं, इनमें 150 फ्लाइट 75 से अधिक डेस्टिनेशन तक हवाई सेवा उत्तर प्रदेश से प्रदान कर रही है और 16-17 की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश के अंदर लैंडलॉक्ड स्टेट है लेकिन इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल किया गया, यहां की नदियां सदा नीरा नदियां, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, उनको चैनलाइज करते हुए, डिसिटिंग करते हुए इनलैंड वाटरवे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसमें वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और अन्य जगहों पर भी हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन प्रदेश सरकार पूर्ण कर चुकी है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में से अधिक क्षेत्रफल में एक पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के गठन की के निर्माण की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश के अंदर सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहा है। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब बिजनेस हब और निवेश का एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन चुका है। महोदय, अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो, सरकार की नियत साफ हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो तो हर व्यक्ति आना चाहता है, देश और दुनिया आपकी ओर आना चाहेगी और आज उसी का परिणाम है कि जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया था, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और मैं नेता प्रतिपक्ष को और दलीय जितने भी हमारे नेता विरोधी पक्ष में अलग अलग हैं, सभी सहयोगी दलों से मैं कहूंगा 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग कराने जा रहे हैं, इसी लखनऊ में आयोजन करने जा रहे हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा और पिछले उस समय रिपोर्ट भी आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले निवेश से कितने नौकरियां लगी हैं, कितने नए रोजगार के सृजन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ा है। ये आपने अगर संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट 3 फरवरी की पढ़ी होती जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की एक बात लिखी थी, पढ़ी होगी ना, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60 हजार से अधिक लोग वापस यूपी में जा चुके हैं जिनको यूपी में ही काम मिल चुका है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं वो ठीक है, भविष्य के पे उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है, जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा, लेकिन
कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कभी, आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए। नहीं, चाचा तो आज भी साथ में है। तो चाचा तो, हाँ, महोदय, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज थी, उसका परिणाम है कि आज हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है, जिसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही भी है और हमारी नीतियों में पारदर्शिता भी है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार बार इस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5600 मेगावाट था, और वर्तमान में हम लोग 8688 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, और इस वर्ष के अंत तक यह हम 12800 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण 1947 से लेकर के 17 तक 1,28,000 मजदूरों तक विद्युत पहुंच पाई थी, और 2017 से 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्ष में हम लोगों ने 2,49,818 मजदूरों तक विद्युत की, यानी विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए, 17 से अब तक 1,65,00,000 विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, यानी 20 गुना है, समाजवादी पार्टी के कालखंड से 20 गुना अधिक दिया गया। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत कर रहे हैं। 17 के पहले प्रदेश में 288 मेगावाट सोलर ऊर्जा केवल बन पाती थी, उसका प्रोडक्शन होता था, वर्तमान में ये लगभग 2600 मेगावाट हो गई है, यानी केवल सोलर एनर्जी के ही क्षेत्र में हमने 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अयोध्या और काशी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हमारी चल रही है, और अभी अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित करने का काम भी सरकार ने किया है। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, और ये सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही समर्पित रही है। हमारी सरकार की पिछली सरकार जब 7 मार्च 2017 में आई, तो पहले कैबिनेट में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86,00,000 लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम से ही शुरुआत की थी। किसानों के लिए पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन